को पता होना चाहिए माधव चौधरी की स्टॉक मार्केट यही होता है। यदि मार्ग का बच्चा मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ अंडे को, चश्मा का इलाज कराओ भे, बाप का उम्र है ठीक है, बाप का उम्र है, चश्मा का इलाज कराओ ठीक है, और उसके बाद आओ मेरे पास ओपन चैलेंज के बाद, एक दिन भी यदि मेरे से ज्यादा प्रॉफिट कर लिया ना तो मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। और ये बकचोदी वही करता है जो हार मान लेता है, जो उसके बाद क्या होता है कोई एक और YouTube में 8 महीने से मैं देख रहा हूं। और दूसरी बात, जितने भी लोग ट्विटर हैंडल वाले जो लोग है ना, जो लोगों को लगता है कि भाई गणेश तुम बहुत डरे हुए हो, चुप कर बाद चुप। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉप ऑफ चार्ट के बारे में। तो 5 जुलाई 2023 को हमारे सामने एक वीडियो आई थी डिजिटल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल से, जिसमें उन्होंने नासिर भाई को उनके बर्थडे गिफ्ट में उनके ऊपर एक एक्सपोज वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी वो सारे काम कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड फाइनेंस फिन इन्फ्लुएंसर भी नहीं कर सकता। तो सेम उसी अंदाज में सेबी ने भी उनको दशहरा के महोत्सव में सीधा बैन ही मार दिया, और साथ में ही उनको 17 करोड़ रुपए का फाइन भी लगा दिया गया है। और तभी से ही न्यूज, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर हल्ला चल रहा है। तो ये जो फाइन लगाया गया है सेबी की तरफ से 17 करोड़ रुपए, वो इस चोर ने 2.5 साल के अंदर ही कमाया है। पर उससे पहले का क्या, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। दी ब्रांड बाप ऑफ चार्ट, जो अपने सब्सक्राइबर और अपने स्टूडेंट को महीने का 200-300% प्रॉफिट गारंटी जनरेट करके दे रहे थे, मेक श्योर शॉर्ट प्रॉफिट, शक्तिमान स्ट्रेटेजी, लाइव ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग से लोगों को 21 दिन में कैपिटल डबल कर रहे थे, तो सेबी ने उनके ऊपर 45 पेज का एक फरमान जारी किया है, और जिसे पूरा पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया इनकी दुनिया है चूतिया, बाकी सब समझदार। और सेबी ने इसको बैन करके ये साबित कर दिया कि ये सबसे बड़ा खोखला आदमी है इस गोले का, और अभी एक मिसाल बन चुका है। जैसे पीआर सुंदर एक मिसाल बनकर शेयर मार्केट में बैठे हैं, सेम उसी तरीके से बाप ऑफ चार्ट भी एक मिसाल बन चुके हैं, और ये कई सालों तक शेयर मार्केट में ये मिसाल बनकर रहेंगे और यादगार रहेंगे। तो इसको जो भी पैसों का घमंड था और लोगों को धमकियां देकर ये एक ब्रांड बन रहा था, तो ये बस एक चीज भूल गया था कि कर्मा सबका हिसाब करता है। और सेबी ने बहुत अच्छे अवसर पर इसकी लंका ही ढा दी है, जो कि दशहरा है। तो थोड़ा सा मैं बाप ऑफ चार्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बाप ऑफ चार्ट सांपों के परिवार में छुड़ा हुआ एक ऐसा नेवला था जो कि खुद 2.5 साल से शेयर मार्केट में 2.90 करोड़ के लॉस में था, और अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। ये रिटेल ट्रेडर हो गए, जो भी इनोसेंट बंदे हो गए, जो भी इसको फॉलो करते थे, काफी समय से इसकी वीडियोस देखते थे, अपना समय बर्बाद किया हुआ था। 200-300% गारंटी प्रॉफिट, लाइव ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, ये टीचर बनेगा, ये कहीं से कहीं तक है, टीचर बनने लायक है, ये टीचर बनेंगे। तो सांपों को दूध पिलाना बंद कर दो, और अपने दम पे अगर कुछ कर सकते हो शेयर मार्केट में तो करो, नहीं तो लूटने वाले बहुत बैठे हैं शेयर मार्केट में। ये बनेंगे बाप ऑफ चार्ट। इनका अब्बा भी कभी ट्रेडिंग करता था। देखो अब ऐसा है कि ये कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि इसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और ये सालों से शेयर मार्केट में बस लोगों को कंफ्यूज करने का ही काम कर रहा था कि चार्ट मत देखो, एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ट्रेड देता हूं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। तो ये इस तरीके से बस लोगों को कंफ्यूज करके पागल बना के पैसा ठग रहा था और कुछ भी नहीं। और इनका जो भी कोर्स वोर्स परचेस कर रहा था उसको लर्निंग एजुकेशन के नाम पे कॉलर टेप भी प्रोवाइड कर रहा था। एक्सपोज हो चुका है, बैन हो चुका है, इसको उड़ता तीर लेने का शौक था, इसने ले लिया। करियर हुआ इसका खत्म, और जिंदगी भर ये सर झुका कर ही चलेगा। देखो ऐसा रियलिटी तो ये है कि चोर कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ता। बाकी फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्शन से जो बाकी मार्केट में फ्रॉड बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सा संभल जाएंगे, और कुछ दिनों के लिए फ्रॉड तो बंद कर ही देंगे। तो एक बहुत अच्छा एक्शन था जो सेबी ने इसके ऊपर लिया है, क्योंकि ऐसे इंसान को बैन ही कर देना चाहिए था। ये कुछ नहीं करता, ये शेयर मार्केट में आगे भी लोगों के साथ फ्रॉड ही करता, क्योंकि एजुकेट करने के लिए भी ना नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि इस पे है नहीं। देखो इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर इन्फ्लुएंसर के लिए बोलता हूँ कि आप किसी का भी कोर्स परचेज करने जा रहे हो तो उससे उसका PNL रिपोर्ट मांगो। आप किस बेहाफ पे उसका कोर्स खरीद रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए कि आप जिसको फॉलो करते हो या फिर आप किसका कोर्स परचेज कर रहे हो, आप उसको अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हो, तो वो कम से कम प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हो, कम से कम वो ट्रेडर तो हो। तो PNL रिपोर्ट इसलिए जरूरी है। अब इसका सामने आया है, सेबी ने रिलीज किया, वरना ये खुद से 2 साल से मैं देख रहा हूँ ये बातें बना रहा है, PNL रिपोर्ट मैं नहीं दूंगा, मैं तो प्रॉफिट में हूँ, मैं तो लॉस में हूँ, ट्विटर पे बकवास, इधर बकवास, 1 महीना पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो ये अपना PNL रिपोर्ट इसलिए नहीं शेयर कर रहा था क्योंकि ये 2 करोड़ लगभग 3 करोड़ रुपए के लॉस में है ये बंदा। इसकी आधी उम्र बीत गई, अभी दीवारों पे टक्कर ही लग रहे हैं, होल नहीं मिल रहे इसको, इतना बड़ा लॉस में है ये। और ये बनेंगे बाप, और ये बाप बनेंगे चार्ट के, क्योंकि ऑपरेटर तो बेवकूफ बैठा है, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे,
क्योंकि ये एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, ये पॉप ऑफ चार्ट बन के बैठे हैं शेयर मार्केट में, प्रो ट्रेडिंग इसको आती नहीं है। इसको क्या आता है? इसको आता है मस्त एडिटिंग करना कि आज मैंने 1 लाख रुपए का लॉस किया, अच्छा उसको मैं 10 लाख में कैसे बदल दूं, क्योंकि लोगों को भी तो दिखाना है, अपने स्टूडेंट को भी तो दिखाना है, इतने लोगों को जो इन्हें लूटा है, इतने लोगों को जो इसने लूटा है, लोगों को भी तो दिखाना है। तो नासिर भाई को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फटाफट कान ला, तेरे को एक राज बताता हूँ कि अगर अभी तेरे को पन्ने अगर ढंग से रगड़ेगा ना, तो ये कुछ भी नहीं है, तू ना तेरे ऊपर और एलिगेशन अभी लगने वाले हैं, तो तू सुधर जा। और इसकी जो 45 पेज की सेबी ने रिपोर्ट निकाली हुई है, उस पन्नों को अगर कोई रगड़ेगा ना, तो सिर्फ इसके कर्मों के मैल निकलेंगे और कुछ नहीं है उस रिपोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ इसके कर्मों के मैल है। और अगर आप सेबी की रिपोर्ट पढ़ने जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि सेबी ने कैसे इसको तोला, और ये हल्का है तराजू में और कुछ नहीं है, इसको नहीं आती ट्रेडिंग, और ये आपका मेंटोर तो कभी नहीं बन सकता। और ऐसे ही फिन इन्फ्लुएंसर मार्केट में बैठे हैं तो थोड़ा संभल कर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और शेयर मार्केट देखो साइकोलॉजी का गेम है, माइंडसेट का गेम है, और ऑपरेटर बैठे हुए हैं तो थोड़ा ढंग से, किसी की भी स्ट्रेटेजी इतना वर्क नहीं कर सकती जिस हिसाब से इन्होंने मार्केटिंग करी हुई है आपके माइंड में। ऐसे लोगों से सीखने से बेहतर है कि आप अपना शेयर मार्केट में लॉस करके सीखो, ताकि आप अपने दम पे कुछ कर पाओ, क्योंकि इसको नहीं आती ट्रेडिंग, क्योंकि सेबी ने इसको ढंग से तोल दिया और ये हल्का है तराजू में। और जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसमें एक हल्ला हो जाना चाहिए, एक आवाज उठ जानी चाहिए कि इसके जैसे और नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडरों वाला सोल भी चाहिए, जो कि इसकी है नहीं। सेबी की रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि 89% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में है, और नासिर भी उन्हीं में से एक है। और जो भी शेयर मार्केट में फिन इन्फ्लुएंसर बैठे हैं उनको प्रूफ करना चाहिए कि भाई हम उन 11% ट्रेडरों में आते हैं, 89% ट्रेडर में नहीं आते। इसके फ्रॉड इतने थे कि ये खुद ही कंफ्यूज था कि इसको क्या छुपाना है क्या दिखाना है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाया, अपनी इज्जत रख के दांव पे, इसको पैसे ने कर दिया अंधा आदमी, ये भी बढ़िया था। देखो ऐसा है कि अगर सेबी इसको बैन नहीं करता तो ये कभी रुकने नहीं वाला था, ये ऐसे लोगों को फ्रॉड करता रहता, लोग का इसके ऊपर भरोसा उतर जाता ना, तो ये कोई दूसरा तरीका निकाल लेता लोगों के साथ स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि ये नाटा था और नाटों के नाटक नहीं खत्म होते कभी। और ऐसी चीप हरकत करने वालों के पन्नों पर क्या बिखर के आएगा, सच बिखर के आएगा, जो कि इसकी रिपोर्ट में बिखर के आया है, निखार के आया है। और सेबी की ये रिपोर्ट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से इसका नाम बाप ऑफ चार्ट से बदलकर नपुंसक ऑफ चार्ट रख देना चाहिए। तो इस वीडियो में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो आप खुलकर दे सकते हैं, आपके मन में कोई गाली आ रही हो, कोई गुस्सा आ रहा हो, कोई भड़ास आ रही हो, तो बिल्कुल खुलकर निकालें, क्योंकि खाने वाला अगर डिजर्विंग है तो गाली भी जचती है। जो इंसान 30 महीने के अंदर 17 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर रहा होगा, उसकी फीलिंग क्या आ रही होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। बट आप ये सोच सकते हैं कि उसी इंसान को अगर 17 करोड़ रुपए रिफंड करने पड़ जाए या फाइन देना पड़ जाए तो उसकी क्या फीलिंग होगी, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।